वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीका से और बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 82.3 का जो आपका क्वेश्चन 3 है। देखिए दिखने में लगा कि ये बहुत ही टफ है, आपको समझने में परेशानी हुई, लेकिन ये कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे ये फ्रैक्शन क्या बोलते हैं एक्स वाला डिवाइड वगैरह जो भी है, अगर पॉलिनोमियल का डिवाइड आप पढ़ चुके हैं, बहुपद का डिवाइड, तो आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कह रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ समझिएगा कि ये जो भी दिया है यहाँ पे पावर, देखिएगा पावर क्या है, x का पावर 4 है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दे बताइए इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री यानी कि बोलते हैं जिसको हम लोग पावर, आप बताइए कि सबसे बड़ा को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, सबसे बड़ा घात को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है, यानी इसका डिग्री, इस बहुपद का डिग्री कितना है, 4 हो जाएगा आंसर। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए अगर हिंदी में घात कितना है तो 4 हो जाएगा। अब बताइए कि x का पावर 4 है, इसका मतलब हुआ कि पावर जितना रहता है उतना ही क्या निकलता है, जीरोज। इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज और हिंदी में बोलते हैं शून्यक, ठीक है। बताइए यहाँ पे इस समीकरण को बनाने के बाद, इस इक्वेशन को बनाने के बाद x का कौ गो वैल्यू निकलेगा, तो 4 गो। क्यों? क्योंकि जितना पावर होता है उतना ही x का मान होता है। आगे पढ़ते हैं, 4 गो निकलेगा, यहाँ 2 x का मान दे दिया है, 2 शून्य का को दे दिया है, जीरोज दे दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 3/5/3 और -√5/3, यानी कि कह रहा है कि अगर 2 इसका शून्य दिया है 5/3 रूट में और माइनस में √5/3, तो और 2 क्या कीजिए, निकालिए, ठीक है। 4 और है तो अदर और निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है, 2 शून्य दिया है, इसी से हम लोग 2 कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। एक शून्य दिया है यानी जीरोज लिख सकते हैं यहाँ पे, जीरोज कितना दिया है 5/3। शून्य किसको बोलते हैं, x के मान को शून्य कहते हैं, ठीक है, जिसको अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं। और दूसरा शून्य कितना दिया है, यहाँ पे दिया है शून्य के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5/3, ठीक है। अब देखिए शून्य किसको बोलते हैं, x के मान को कहते हैं, तो x बराबर 5/3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x बराबर -√5/3। ये देखिए अब एक बात बताइए, हम तो एक चीज़ आपको बताए थे कि जब भी एक तोड़ रहे थे तो हम लोगों को ऐसे मिल रहा था, आज जब मिल रहा था तो बराबर में हम लोग जीरो लिख रहे थे, एक बार इतना बराबर जीरो कर दे रहे थे, ठीक है, और एक बार x प्लस 2 बराबर जीरो कर दे रहे थे, ये माइनस में इधर प्लस में हो जा रहा था, ये प्लस में इधर माइनस में हो जा रहा था, यही तो कर रहे थे ना, यहाँ पे x बराबर -2, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, इसको लाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा, यही काम यहाँ पे करना है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए बराबर में इधर कुछ नहीं तो जीरो, ये किस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/3, ठीक है, ऐसे यहाँ का बचेगा जीरो, ठीक है, अलग अलग जैसे ये बचा। अब हम इसको चाहें तो दोनों को पास में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं शून्य है तो x माइनस √5/3 और ये लिख सकते हैं x प्लस √5/3। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये किस फॉर्मूला पे सेट है। देखिए यहाँ देखिए तो ये दोनों एक जैसा है, एक से यहाँ भी एक से यहाँ भी, ये एक समझिएगा आप इसको, ठीक है, ये √5/3, यहाँ भी √5/3, यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे एक माइनस से ये प्लस है, ये एक फॉर्मूला पर सेट है। यहाँ पे अगर कभी भी आपको कहीं दिख जाए a प्लस बी और a माइनस बी, अगर दोनों ए बी है प्लस माइनस है तो इसका फॉर्मूला होता है पहला वाला का स्क्वायर और फिर दूसरा वाला का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे समझेंगे, 2 ए है ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बी है बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये जनरली ऐसे ही आपको लॉजिक द्वारा समझा रहे हैं, रियल में ऐसे होता नहीं है। बताए थे ब्रैकेट के बाहर ही दोनों ए से दोनों में गुणा कीजिए, बी से दोनों में गुणा कीजिए, आपका यही रिजल्ट मिलेगा। बताइए प्लस माइनस में हो तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, बीच में माइनस कर देते हैं, ये भी तो वही है, प्लस माइनस है दोनों सेम है, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और -√5/3 का स्क्वायर, बराबर में तो जीरो रहेगा ही। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बनाते समय बता दिए, बट्टा वट्टा नहीं है, समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो बचेगा 5/3 बराबर जीरो, बट्टा एक मान के बट्टा का जोड़ निकलेगा तो एलसीएम होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस
फाइव इक्वल टू जीरो। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद जीरो में तीन से गुणा तो जीरो ही होगा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच गुणा किए हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हमको मिला है ये वाला, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक ये आपका बोल सकते हैं कि इस समीकरण का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर इसको आप पी एक्स माने, क्या माने, पी एक्स बराबर इतना, तो आप लिख दीजिएगा कि थ्री एक्स स्क्वायर जो आया है आपको माइनस फाइव, पी एक्स का क्या है, पी एक्स का गुणन खंड है। जब गुणन खंड है तो इसमें भाग देने पर कुछ रिजल्ट आएगा। देखिए हमारा मेन टारगेट है कि दो ठो शून्य दिया है, दो ठो जीरोस दिया है और दो ठो निकालना है, और यहां चार को निकालना था तो दो ठो और निकालना है। यहां पर देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से डिवाइड करना है किसमें, थ्री एक्स का पावर फोर प्लस थ्री सिक्स एक्स का पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। देखिए एक चीज़ सब आदमी से मिस्टेक होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ये माइनस के जगह प्लस उतर जाता है गलती से, ये आप बार बार सोच समझ के ये उतारिएगा, ठीक है। अब देखिए डिवाइड तो हम बता चुके हैं, ठीक है, पिछला जो भी क्वेश्चन था, हमको लाना है थ्री एक्स का पावर फोर, हमारे पास थ्री भी है, थ्री यहाँ पे भी है, एक्स भी है, एक्स भी है, लेकिन एक अंतर है कि यहाँ पे एक्स चार है, यहाँ पे दो ठो है, तो यहाँ पे दो गो और ही एक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स का पावर फोर, फाइव भी तो है, इससे भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें एक्स स्क्वायर वाला जात ये है, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंबल बदलिए, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये पाँच प्लस में या दो माइनस, पाँच में से दो जाएगा तो हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, ये भी उतार दीजिए, सिक्स एक्स का पावर तीन प्लस, बाकी जो भी है सराफत से बिना हल्ला गुल्ला किए आप लोग इसको उतार दीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, सिक्स एक्स का पावर तीन, हमारे पास क्या है ये वाला, हमारा ये समझिए तो ये हम लोगों का है, क्यों, क्योंकि इसी का तो टेबल हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा तो होता नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ लाना है, ये माइनस छोटा दे दे थोड़ा सा। देखिए तीन है तो तीन में अगर दो से हम गुणा करें, तीन में कितना से दो से, तो तीन दूना छः आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स दो को है, यहाँ पे तीन को है, तो एक एक्स भी चाहिए, यानी कि हमको एक दो चाहिए और एक एक्स चाहिए, ये हो जाएगा सिक्स एक्स का पावर तीन। दो में पाँच से तो पाँच दूना कितना हो जाएगा दस हो जाएगा एक्स। सिंबल बदल, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी एक जैसा है, प्लस माइनस में कट जाएगा, बच गया हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में पाँच। यहाँ देखिए तो ये चीज़ है, यही चीज़ सेम लाना है, तो वन से कर दीजिए गुणा, वन से कितना में गुणा कीजिए कोई असर नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव, सिंबल बदलिए कट जाएगा जीरो, दोनों के बदला एक को जीरो या दो को जीरो, जैसे मन करे एगो जीरो हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा आप जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, ये वाला रिजल्ट मिला। अब बताइए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है कि नहीं, और जिसका दो गो घात हो उसका एक्स का वैल्यू कितना आता है, दो ठो होता है, तो दो ठो पहले से था, आ इसको अब हम लोग तोड़ेंगे तो दो ठो और निकल जाएगा, तो दो ठो ये हो जाएगा, दो ठो ये चार को नहीं हो गया, हमको तो यही निकालना है, अदर जो बचा है वही जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद से ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, दो ठो इससे एक्स का वैल्यू निकलेगा और ये वाला निकल जाएगा, दो ठो पहले से ही दिया है। अब देखिए डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बचा था, और हमको कितना लाना है, शून्य लाना है, चार ठो दो ठो दिया है, एक्स के पावर दो है तो इसमें से भी तो दो ठो शून्य होगा, जितना यहाँ पे पावर होगा उतना ही शून्य होता है, शून्य का मतलब एक्स का मान होता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तोड़िए फर्स्ट इंटू लास्ट पे तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा दो हिस्सा में तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस में वन ये जीरो होता है, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो यहाँ देखिए एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स निकालिएगा दो होता है तो एक टू एक्स बच जाएगा, यहाँ से तो एक एक्स निकल जाएगा तो वन बचेगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो एक निकलता है, तो यही लिख दिया जाता है, ठीक है। एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला लिखिए, एक्स प्लस वन एगो बाहर वाला हो गया, एगो अंदर वाला, ये तो सेम यही है, एक्स प्लस वन बराबर में क्या हो गया जीरो। अभी बताए थे शून्य कैसे निकलता है, इसको जीरो के बराबर कीजिए, एक्स प्लस एक्स ही समझिएगा इसको, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वन, एक बार इसको भी लिखिए, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वन। अब बताइए कि दो ठो ये शून्य हो गया जो पहले से दिया था, अभी हमने दो ठो शून्य के जीरोज निकाला, तो हो गया आपका आंसर, यही पूछा था कि अदर जो भी जीरोज है वो निकालिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग बिना देर किए अब चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये चार नंबर जो क्वेश्चन है, अगर कई बार आपसे हम बता चुके हैं बाबू, देखिए कि अगर जिसको डिवाइड आता है और डिवाइड को जांच करने वाला फॉर्मूला पता है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जिसको पता है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर अपने भाषा में जब हम लोग जांच करते थे तो एक चीज लिख रहे थे यहाँ पे डिविडेंट, डिविडेंट इक्वल टू लिखते थे डिवाइजर, डी आई वी आई एस ओ आर, डिवाइजर प्लस डिवाइजर इंटू कोसेंट, अब प्लस में हम लोग लिखते थे रिमाइंडर, यही लिखते थे। हिंदी में अगर बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में हम लोग शेष पढ़े होंगे। ये किसको कहते हैं, तो जब हम लोग किसी भी अंक से भाग देते हैं, ठीक है, तो यहां दो चौका आठ हो गया वन, इसको हम लोग बोलते हैं ये भाजक यानी डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, आपको हम लिख दे रहे हैं यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, डिवाइजर नहीं डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डी आई वी आई एस ओ आर, इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट क्यू, और इसको बोलते हैं आर, यानी कि इसको और इसको गुणा करते हैं और ये वाला जोड़ते हैं नीचे वाला, तो बीच वाला भाज्य मिल जाता है, यानी डिवाइजर हमको ये डिविडेंड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। यही तो काम इसमें भी करना है। यहां पे ऑन डिवाइडिंग थ्री एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये दे दिया है बीच वाला हमको, क्या दे दिया है ये बीच वाला, और इसमें से यहां पे जी एक्स नहीं पता है किससे डिवाइड करना है, लेकिन ये वाला नहीं दिया है, ठीक है, डिवाइजर आपको नहीं दिया है, कोसेंट और रिमाइंडर दिया है, यहाँ पे लिखा है कोसेंट और रिमाइंडर, कोसेंट दिया है ये वाला और रिमाइंडर आपका ये बचा है, ठीक है, तो आपका मेन निकालना है आपको जी एक्स, ठीक है, आपको ये निकालना है, डिवाइजर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पे सेट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, ये दे दिया है आपको कितना डिवाइडिंग x का पावर 3 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, डिवाइजर नहीं पता है जी एक्स है लिख दीजिए, ठीक है, इनटू में कोसेंट कितना है, तो पहला वाला है तो पहला वाला कोसेंट हो जाएगा x माइनस टू, प्लस प्लस है तो प्लस हो गया, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर आपका ये माइनस टू एक्स प्लस फोर, कितना हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर। सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं, बोर्ड मास पढ़े हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ठीक है, यहाँ पे उतार दीजिए जी एक्स, ये हो जाएगा इनटू में एक्स माइनस टू, जैसे है वैसे ही सराफों से उतार दिए, प्लस माइनस होता है माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में चार, हमको क्या निकालना है जी एक्स निकालना है। तो जिस चीज को निकालते हैं, इसका ना वैल्यू निकालते हैं, उसको अकेले छोड़ते हैं, लेकिन देखिए किसी को डायरेक्ट अकेले छोड़िएगा तो उसे सदमा लग सकता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि हम पहले जो इससे दूर है पहले उसको दूर करें, तो बताइए ये वाला नहीं ये वाला दूर है, तो पहले इसको हटाएंगे, ठीक है, जब देखें कि ये बर्दाश्त कर ले रहा है फिर धीरे से इसको हटाएंगे, फिर वह अकेला हो जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। जब तक जिंदगी में अकेले नहीं होएगा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे वही काम करेंगे, पहले इसको हटाते हैं, हमको जी एक्स अकेले करना है। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में टू एक्स, ठीक, ये किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में फोर, यहाँ पे क्या बचेगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, x का पावर 3 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x दो ठो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक दो और एक हो जाएगा ये 3x, चार में से दो जाएगा दो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा जी एक्स और इंटू में x माइनस टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एक्स क्यू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स और माइनस में टू डिवाइड में हो जाएगा, यानी बट्टा में एक्स माइनस टू, यहाँ जी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इसको आप भाग देना चाहते हैं तो दे दीजिए, डिवाइड आपको आता है, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ये बनाए, सेकेंड पार्ट उल्टा बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। इसको देखिए डिवाइड कितना करना है, एक्स माइनस टू में कितना से करना है, तो एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू में करना है, x का पावर तीन लाना है, हमारे पास एक x है, x का पावर दो से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, हम लोग को ऐसे तो डिवाइड परेशानी है इसीलिए साइड में कर ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा x का पावर तीन और टू में एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, सिंबल बदल के काट दीजिए, तीन में से दो जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा थ्री एक्स माइनस टू,
यहाँ पे माइनस एक्स से गुणा करने पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस में टू एक्स, ठीक है। ये आपका माइनस से जाएगा प्लस, ये माइनस कटेगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस टू, और वन से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा प्लस वन से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा एक्स माइनस में टू, सब सिंबल बदल जाएगा कट जाएगा, कितना आया हमारा आंसर जी एक्स बराबर आया हमारा डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही तो बोला है कि फाइंड द जी एक्स, यानी कि जी एक्स आप क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिस चीज का वैल्यू निकालना हो उसको अकेले छोड़ते हैं, बाकी उधर सबको इधर ढकेल देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ढकेलते हैं ताकि झटका नहीं लगे, सदमा नहीं लगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव देखते हैं, जो कि ये 2.3 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ये देखिए इस क्वेश्चन में खुद सोचना है, एग्जाम्पल अपने से देना है, ठीक है, कि ये दोनों कैसे बराबर है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिख रहा है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीनोमियल्स, यहाँ पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। सबसे पहले ये जान ले होता क्या है। आप लोग भाग अभी बताए थे कि भाग आप लोग पढ़े, और भाग के बाद एक शुद्धता की जांच करने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अपने अगर टेंथ क्लास के रूप में देखें तो इसका नाम है क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। बताए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस हिसाब से देखें अगर ये बोल रहा है कि सबसे पहले ये दे दिया है और सेटिस्फाई करना है इस फार्मूला को, ए बराबर जो बी की प्लस आर एल्गोरिथम फार्मूला है उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यानी कि ये दो साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का रिमाइंडर अगर जोड़ते हैं तो बीच वाला डिविडेंट यानी कि भाज्य आता है कि नहीं, ये संतुष्ट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है। एक आपका पहले ये लिख देना है पी एक्स किसको बोलेंगे, पी एक्स अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा भाज्य, क्या हो जाएगा भाज्य, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंट। जी एक्स देखें तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या हो जाएगा जी एक्स, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका भाजक। अगर हम बात करें क्यू एक्स का तो भाग देने के बाद जो फल मिलता है उसे भागफल कहते हैं, ठीक है, और जो नीचे बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर एक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शेष बोलते हैं या शेष फल बोलते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे समझ जाइए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहले संतुष्ट तो बाद में करेगा, पहले इधर देखिए कह रहा है डिग्री पी एक्स, डिग्री का मतलब होता है पावर घात, घात समझिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा घात, पी एक्स का घात, ठीक है। अगर हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि दो तिहाई छः, तो पी कौन है ई वाला हो गया पी एक्स, ठीक है, और क्यू एक्स कौन है तो ये वाला हो गया क्यू एक्स। तो कह रहा है कि ये वाला जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा वहाँ उसका घात, मान लीजिए कि यहाँ पे सेवन है सेवन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी दोनों का घात क्या होना चाहिए, दो यहाँ पे है तो दो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। ये अपने से कोई भी एग्जाम्पल देने को बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने से मानते हैं, देखिए कैसे। अगर मान लीजिए कि हम पी एक्स जो अंदर है इसको मान लें हम थ्री एक्स स्क्वायर, अगर ये मान लें, आ इसको हम अगर थ्री से भाग दे तो क्या हो जाएगा, कितना से गुणा करेंगे, थ्री तो है ही यहाँ पे, और क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर से अगर सिर्फ गुणा कर दें तो आ जाएगा कितना थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये इधर लिखते हैं थ्री, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर में थ्री से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये छोटा सा एकदम एग्जाम्पल दिए। अब बताइए आप थोड़ा सा सोचिए कि हम यहाँ पे क्या करना है, पहला किसको संतुष्ट करना है, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए एक नंबर क्वेश्चन था कि डिग्री यानी होता है पावर, डिग्री पी एक्स का, ठीक है, और डिग्री जी एक्स का, किसका जी एक्स का। अब बताइए पी एक्स कहते हैं इसको और जी एक्स कहते हैं इसको, बताइए दोनों का डिग्री बराबर है कि नहीं, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो अपने से कोई एग्जाम्पल बस दे देना है। और ये कट गया तो जीरो आया, और जीरो आया उसके बाद कह रहा है एल्गोरिथम को क्या ये संतुष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ना, इसको इसको गुणा करते हैं और ये जोड़ते हैं तो ये वाला आ जाना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा होता है, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए कितना हम माने यहाँ पे पी एक्स हमारा कितना है थ्री एक्स स्क्वायर, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बड़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है क्यू एक्स, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, देखिए क्यू एक्स बराबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, दोनों का घात बराबर है, देख लीजिए यही बोला है कि डिग्री दोनों का क्या होना चाहिए बराबर, तो यहाँ क्यू एक्स का भी बराबर है दो है, यहाँ भी दो है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाते हैं भाज्य बराबर, यानी डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे आपको डिविडेंट हिंदी में लिखते हैं,
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष या शेषफल लिख दीजिएगा, यानी कि यहाँ लिखिएगा आप a बराबर b गुणे क्यू प्लस में r, ठीक है। भाज्य कितना है तो बीच वाला है यहाँ पे, एक मिनट इसको संतुष्ट करना है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले भाज्य है 3x स्क्वायर, b कितना है तो b है आपका 3 इंटू में, q कितना है, q है आपका एक्स स्क्वायर, प्लस r कितना है 0 है, तो 3x स्क्वायर बराबर ये गुणा की जगह तो 3x स्क्वायर, इसको भी क्या हुआ संतुष्ट किया कि नहीं, तो आपका एग्जाम्पल यही हो जाएगा, एक हो गया आपका आंसर, ठीक है। वैसे ही आपका ये भी है, इसमें क्या बोल रहा है बराबर करने के लिए, तो यहाँ क्यू एक्स इसका घात, मतलब कि ये वाला का जो घात है ये, और उसके बाद से शेष, तो शेष भी जो यहाँ जीरो बचा, लेकिन यहाँ जो भी बचना चाहिए उसका पावर कितना होना चाहिए, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए। तो देखिए बहुत सारा आप क्वेश्चन पहले बना चुके हैं अपने किताब में जो भी है, तो उससे भी कोई भी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर मिल जाएगा तो उठा के डायरेक्ट दोगे एग्जांपल रख के ये संतुष्ट कर सकते हैं, और ये डिवाइड करने के बाद तो इस फॉर्मूला पे संतुष्ट हो ही जाता है, ठीक है। अगला मान लीजिए कि हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके बाद से ये 3 नंबर है, बहुत ही आसान है ये 3 नंबर, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आप 5 का 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका आंसर अगर आप सोचिएगा ना कि जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं, जितने भी हम लोग फ्रेंड हैं, सबका आंसर एक जैसा है, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि अपने से कोई एग्जांपल दे रहा है, तो एक बात, एग्जांपल अगर कोई अपने से देना है तो सबका दिमाग तो एक जैसा है नहीं, सब अलग अलग तरीके से सोचिएगा, कुछ अलग एग्जाम्पल देगा, हम बोलेंगे कुछ नंबर बोलिए तो कोई लड़का बोलेगा 2, 4, 6, कोई बोलेगा 8, 9, 10, 11, तो सब अलग अलग बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिग्री किसका, जीएक्स का, और डिग्री किसका, यहां आरएक्स का, दोनों का बराबर होना चाहिए। जीएक्स आरएक्स किसको कहते हैं, तो यहां देखिए जीएक्स, या सॉरी क्यूएक्स यहां है, ठीक है, क्यूएक्स का और आरएक्स का, क्यू इसको बोलते हैं क्यूएक्स, इसको बोलते हैं पीएक्स, इसको बोलते हैं यहां पे आपको जीएक्स, और जो लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं हम लोग आरएक्स। तो यहां बोला जा रहा है कि डिग्री किसका, क्यूएक्स का, यह जितना आए उतना ही ये आना चाहिए, कौन, पावर उसका। अगर यहाँ पे पावर 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी पावर नीचे 2 ही बचना चाहिए, पावर 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी पावर 1 ही बचना चाहिए, ये एग्जांपल अपने से देने को बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर कोशिश करें तो यहाँ लिखते हैं हम x का पावर 3 या x का पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, इसको हम गुणा करते हैं यानी कटा रहे हैं, देखो किससे, एक्स के पावर 3 से, ठीक, यहाँ लिखते हैं हम एक्स। अब अगर हम भाग देंगे तो यहाँ एक्स लिखेंगे, एक से यहाँ पे 3 ठो, और ये कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 4, ये तो कट जाएगा, फिर यहाँ ये क्या उतरेगा, एक्स, ये कभी कट पाएगा, कभी नहीं कट पाएगा। तो अब बताइए कि इसको बोलते हैं हम लोग क्यू एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग आर एक्स, बताइए दोनों का पावर कुछ नहीं होता है तो पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो बताइए दोनों का डिग्री बराबर हुआ कि नहीं, ये भी बराबर, ये भी, आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ x का पावर 5 दे रहे हैं तो इससे 1 कम करके आप डिवाइड कीजिए, x का पावर 4 से, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ x लिखिएगा तो ये x का पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 4x और 1x 5 को हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर यहाँ x उतारिएगा और यहाँ पे जब x दे रहे तो ये कटेगा ही नहीं, बताइए r का भी पावर, दोनों का डिग्री बराबर है, इसको r बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, दोनों का डिग्री क्या है, आपस में बराबर, तो एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे क्यू एक्स बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लीजिएगा यहाँ पे क्यू एक्स बराबर, एक्स का पावर 1 आ ही जा रहा है, तो पूरा का पूरा, देखिए अगर आप पूरा भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्या माने हैं यहाँ पे आप पी एक्स, तो पी एक्स बराबर आप माने हैं, पी एक्स बराबर है एक्स के पावर 4 प्लस में एक्स। यहाँ पे देखिए जी एक्स क्या माने हैं, जी एक्स बराबर माने हैं आप कितना, एक्स का पावर 3। आपका क्यू एक्स कितना आया है, क्यू एक्स आया है आपका एक्स, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ देखिए हमको एक ही क्वेश्चन एग्जांपल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और आर एक्स कितना आया है, आर एक्स आपका ये भी आया है एक्स। और देखिए आपको बोला जाए एल्गोरिथम का यूज करके इसको सेटिस्फाई यानी कि वेरीफाई करना है आपको एक तरह से, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बीच वाला को ए बोलते हैं, लिख दीजिए एक्स का पावर 4 प्लस एक्स, बी कितना है तो एक्स का पावर 3 इंटू क्यू कितना है तो एक्स है, प्लस आर कितना है तो एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 प्लस x, x के पावर 3 और एक x के पावर 4 प्लस में x, बताइए दोनों आप बराबर आया कि नहीं, तो ये वेरीफाई भी हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए, सेटिस्फाई लिखना है, सेटिस्फाई लिख दीजिए, वेरीफाई लिखना है, ठीक है, वेरीफाइड ED लिख दीजिए, वेरीफाइड हो गया। आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन इसका देखिएगा, बहुत ही आसान है। और पहले एक आपको चीज़ समझा दें, यहाँ समझिए। बोल रहा है यहाँ पे डिग्री RX बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिए कि डिग्री कितना होना चाहिए, 0। आपको एक चीज़ बता दें, डिग्री का मतलब होता है पावर। और दुनिया में कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो, यहाँ x भी लिख दे, कुछ भी हो, अगर इसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर 2 का पावर 0 तो इसका वैल्यू भी 1, 50 का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, 5000 का पावर करोड़ों संख्यों कुछ भी, इंसान का पावर 0 उसका वैल्यू 1, ठीक है, गधा का पावर 0 उसका वैल्यू 1, कुछ भी का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा, पावर 0। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ देखिए, अगर एक एग्जाम्पल ले अपने से, एग्जाम्पल क्या है, तो हमको डिवाइड, पहले हम डिवाइड करके ही बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे x का पावर 2 + 1, आई डिवाइड किससे करें, ये आपका क्या है, तो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं इसको, px हो गया। इसको हम अगर x से डिवाइड करें, ठीक है, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x² ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, 1। तो बताइए ये जो 1 आया किसी चीज़ का, यानी r का पावर अगर क्या हो जाए 0, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं px = x² + 1, qx = x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका q है। देखिए लेकिन एक बात आपको कहीं कन्फ्यूजन में डाल सकता है, सर ये बराबर थोड़े बोला, आ गया तो क्या करोगे, दूसरा भी नंबर मतलब आप ले सकते हैं, power 3 लिख सकते हैं, power 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक ये बना दे रहे हैं, एक और एग्जांपल इसका बता दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम दे दें आपको px हो गया, qx हो गया, gx कितना है, तो gx = x है, ये दोनों सेम आ गया। और r बराबर कितना है, rx = तो देखिए rx = क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जानते हैं क्या हुआ है, किसी x यहाँ पे बचा है, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और यही तो बोल रहा है कि rx कितना होना चाहिए, rx का डिग्री क्या होना चाहिए, 0। तो बताइए अगर x का पावर 0 है तो ये 1 ही ना होगा, इसलिए यहाँ 1 अपने से बचा है। अगर 1 बचा है तभी आंसर इसका ये फॉलो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान इससे संतुष्ट नहीं है, बोल रहा है कि देखिए हमको बराबर ही आ गया है, गड़बड़ लग रहा है, उससे कोई बात नहीं, हमको वैसे इससे मतलब था, अगर गड़बड़ लग भी रहा है किसी को तो उसको आप समझा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ आप लिख दीजिए x³ + 1 डालिएगा क्योंकि आपको 1 लाना है, ठीक है, x² से कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा x³, कट जाएगा, फिर क्या उतर जाएगा, 1 बचा कि नहीं, ठीक है। और जब 1 बच गया तो आप एक फार्मूला लगाइएगा, a = bq + r। अब फार्मूला लगा के ये इसको कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, a इसको कहते हैं हम लोग, b इसको कहते हैं हम लोग, q और इसको कहते हैं हम लोग r, इसमें भर के और इसको बराबर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को देखिए, ज्ञापन एकेडमी से पूरा जोड़िए, आपके हर एक रिक्वायरमेंट जो भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर किया जाएगा। अगर आपको जो भी डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।